नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बात बिहार की करें और हिंसोंग की याद में बनाए गए स्मृति भवन का जिक्र ना करें तो ये सही नहीं होगा। वास्तव में चीनी सरकार के सहयोग से निर्मित ये एक भव्य, स्वच्छ और सुनियोजित तरीके से निर्मित संग्रहालय है, जिसके माध्यम से हिंसोंग को याद किया गया है। हिंसोंग स्मृति संग्रहालय पहुंचकर मन प्रसन्नता से भर उठता है। अब सवाल ये है कि हिंसोंग आखिर है कौन, जिनको लेकर इस स्मृति भवन का निर्माण करवाया गया है। तो हम आपको बता दें कि वो एक यात्री, एक विद्यार्थी, एक शिक्षक और एक इतिहासकार हैं, जिसने हमें इतना कुछ दिया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हिंसोंग की महानता इतनी प्रबल है कि उसकी स्मृति को ठीक इसी तरह संरक्षित किए जाने की जरूरत ही। इस संग्रहालय के निर्माण का मूल श्रेय नव नालंदा महावीर के पूर्व निदेशक श्री जगदीश कश्यप को जाता है, लेकिन इस संबंध में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीनी राष्ट्रपति चाउ इन लाई के संयुक्त प्रयासों का जिक्र करना भी जरूरी है, जिन्होंने दो राष्ट्रों की परस्पर मैत्री भावना को हिंसोंग के माध्यम से आगे बढ़ाया है। इस परियोजना पर काम तो 1957 में ही शुरू हो गया था, वहीं मुख्य भवन 1984 में बनकर तैयार हुआ था। साल 2001 में इस निर्मित भवन को नव नालंदा महावीर को सौंप दिया गया, जबकि संग्रहालय का विधिवत उद्घाटन फरवरी 2007 में हुआ था। हिंसोंग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु थे। वो हर्षवर्धन के शासक काल में भारत आए थे। वो भारत में 15 साल तक रहे थे। उन्होंने अपनी पुस्तक सीयूकी में अपनी यात्रा और तत्कालीन भारत का विवरण किया था। उनके वर्णनों में हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। हिंसोंग का जन्म चीन के लुओयांग स्थान पर साल 602 में हुआ था और उनकी जान 5 फरवरी 664 में गई थी। हिंसोंग अपने चारों भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इसके प्रपितामह राजधानी के शाही महाविद्यालय में प्रीफेक्ट थे और पितामह प्रोफेसर थे। इसके पिता एक कम्युनिस्ट थे। इसके साथ ही इसके बावजूद भी वो बौद्ध भिक्षु बनना चाहते थे। इनके पिता की जान सन 611 में गई थी, जिसके बाद ये अपने बड़े भाई चेंसु के साथ जिगंतु मठ में रहे। इस काल में इसने थेरवाड़ा और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। इस संग्रहालय को और नजदीक से जाने तो संग्रहालय का विशाल मुख्य द्वार पूर्वाभिमुख है कि वो कांसे से बना हुआ है। वहीं मुख्य भवन की बात करें तो यहाँ चीनी संस्कृति और कलात्मकता की झलक दिखाई पड़ती है और भवन की छत का नीला रंग आंखों को सुकून पहुंचाता है। चटकीले लाल, स्वर्णिम तथा नीले रंगों के प्रयोग से द्वार तथा मुख्य भवन की दीवारों को सौंदर्य प्रदान किया गया है। ऐसी मान्यता है कि लाल रंग नकारात्मक ताकतों का निवारण करता है, वहीं स्वर्णिम रंग का संबंध शुद्धता तथा समृद्धि से है और नीले रंग को अमरत्व की निशानी माना जाता है। मुख्य द्वार से भीतर प्रविष्ट होते ही दाहिनी ओर एक विशाल घंटा एक सफेद कलात्मक खुले भवन के नीचे लगाया गया है, दृष्ट गोचर होगा, जिस पर भगवान बुद्ध उपदेशित कोई सूत्र चीनी भाषा, देवनागरी तथा संस्कृत में अंकित है। मुख्य द्वार से दाहिनी ओर हिंसोंग के सम्मान में चौकोर संगमरमर से निर्मित श्वेत स्तंभ स्थापित किया गया है। वहीं ठीक सामने हिंसोंग की काले रंग की भव्य कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिस पर लिखा है, हिंसोंग दुनिया के विशिष्ट महापुरुषों में से एक थे, जिनका महान उद्देश्य मानव जाति का कल्याण और मानव सभ्यता के उद्दत्त मूल्यों की व्याख्या करना था। मुख्य भवन में प्रवेश से ठीक पहले एक बड़ा सा कलात्मक पात्र रखा हुआ है। सुगंधित पदार्थ जलाकर वातावरण को शुद्ध रखने के लिए निर्मित इस काले रंग के पात्र पर चीनी भाषा में कुछ अंकित है। मुख्य भवन के भीतर एक भव्य सभागार है, जिसमें सामने की तरफ ध्यान में बैठे हिंसोंग की विशाल प्रतिमा लगाई गई है, जिनमें के सामने एक मेज रखी गई है, जिसे फूल से सजा दिया जाता है। प्रतिमा के ठीक सामने भगवान बुद्ध के चरण चिन्ह से अंकित एक पाषाण शिला रखी गई है। कहते हैं कि हिंसोंग ने यवहुआ महल में बौद्ध सूत्रों का अनुवाद करते हुए स्वयं बुद्ध के चरण चिन्हों को
तराशने का संचालन किया और लेख उत्कीर्ण करवाया। पश्चिमी जगत के अभिलेख के अनुसार महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र मगध में अपने चरण चिन्ह छोड़े थे। ह्वेनसांग ने उस पवित्र पद चिन्ह की पूजा की तथा प्रतिलिपि बनाकर युविहुआ महल ले गए थे। 1999 में ये शिला खोजी गई। ह्वेनसांग की मुख्य प्रतिमा के ठीक पीछे सफेद दीवार पर मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा उत्कीर्ण है। दीवारों पर बड़े बड़े पैनल लगाए गए हैं जिन पर ह्वेनसांग का संपूर्ण जीवन चित्रित किया गया है। सभागार की छत पर अजंता के चित्रों के अनुकल्प अंकित है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।